मैं ये बता रहा था कि अगर ये जैसे प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन है, इसको अगर हमें डायनेमिक बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? हम इसको डायनेमिक बनाने के लिए क्या करेंगे, ये हाय डेव जो लिखा हुआ रहा है इसकी जगह अगर मुझे हाय मलिक, हाय जॉन, ये सब चीज़ें कुछ और लिखनी है, तो मैं इसके अंदर एक पैरामीटर ले लूँगा और इसके अंदर पैरामीटर लेके ऐसे करके एक फंक्शन बना लूँगा कि जी नेम पैरामीटर और हाय और उसके आगे नेम। अब मैं जब इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो मैं जो भी नाम लिख के करूँगा उसको ये ग्रीट करेगा, तो ये काइंड ऑफ डायनेमिक फंक्शन हो गया है। अच्छा, ये बहुत ही छोटा सा है तो शायद ये इतना मेक सेंस नहीं हो रहा हो, लेकिन डायनेमिक असल में इसी चीज़ को कहते हैं। अब इस फंक्शन में पैरामीटर बढ़ा दूँ, 10 पैरामीटर कर दूँ, रिटर्न वैल्यू से पहले बहुत सारी लॉजिक्स लगा दूँ, सही है, तो वो डायनेमिक। लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस जो डायनेमिक है वो यही है कि जब पैरामीटर मैं चेंज करूँ तो वो अंदर डिफरेंट तरह से उसको बिहेव करे, तो ये डायनेमिक ग्रीटिंग हो गई हमारी। कह रहा है कि यार रिएक्ट के अंदर भी ना आप देखें ये क्या है, ये एक फंक्शन है असल में। अच्छा, इस फंक्शन के अंदर इसको कॉल हम कब करते हैं? हम कॉल करते ही नहीं है उसको, कॉल तो उसको करता है रिएक्ट। अच्छा, तो जब रिएक्ट इसको कॉल करता है तो हम इसमें भी कुछ पैरामीटर्स ले सकते हैं। अच्छा, ये बगैर पैरामीटर के ऐसा दिखेगा, जब इसमें हम पैरामीटर्स ले लेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। कंपोनेंट के अंदर, रिएक्ट के कंपोनेंट के अंदर जब हमें पैरामीटर्स मिलते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रॉप्स, सही है, इसके लिए टर्मिनोलॉजी इन्होंने डिवाइस की हुई है कि प्रॉप्स, क्योंकि जी वो एक्चुअली उसको फंक्शन नहीं है ना, वो समथिंग मोर देन अ फंक्शन है, जो रिएक्ट का कंपोनेंट है दैट इज समथिंग मोर देन अ फंक्शन, ठीक है, तो इसलिए इसके लिए टर्मिनोलॉजी अलग से डिवाइस की हुई है। अगर ये प्लेन फंक्शन होता तो पैरामीटर ही कह सकते थे, लेकिन इन्होंने बोला नहीं जी इसका नाम हमने रखा है प्रॉप्स, तो आप भी इसको क्या बोलेंगे, प्रॉप्स, ठीक है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हम यहाँ पे बोला करेंगे, तो प्रॉप्स इसको मिलना शुरू हो सकते हैं। अच्छा, प्रॉप के अंदर मैं हर दफ़ा एक मुख्तलिफ नाम ले सकता हूँ, प्रॉप के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, हर दफ़ा मैं एक मुख्तलिफ नाम इसमें इनपुट ले सकता हूँ, और जो नाम इनपुट लूँगा अंदर वो डिस्प्ले हो जाएगा। आसान था, मुश्किल तो नहीं था ये। अच्छा, अब ये मैंने तो यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन कर दिया, लेकिन क्योंकि इस फंक्शन को हम खुद कॉल नहीं करते तो पैरामीटर हम देंगे कब, पैरामीटर हम देंगे इसको, ये जो हम लिखते हैं ना हाय, है ना, ये जो हम हाय लिखते हैं, अब हम इसको लिखा करेंगे ऐसे, तो ये एक्चुअली हम नेम करके यहाँ पे प्रॉप पास कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज नॉट अ एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट नहीं है, ये प्रॉप है। अच्छा, और ये हाई क्या चीज़ है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ कंपोनेंट है, कंपोनेंट मेरा बनाया हुआ भी हो सकता है, रिएक्ट का बिल्ट इन भी हो सकता है, जो डिव वगैरह हम यूज़ करते रहे वो रिएक्ट का बिल्ट इन कंपोनेंट होता है, उसमें प्रॉप कौन कौन से पास कर सकते हैं हम, जो रिएक्ट वालों ने बताया हुआ है, क्योंकि वो रिएक्ट ने बनाया कंपोनेंट, ये मेरा कंपोनेंट है, ये मैंने बनाया है, इसमें मैं बताऊंगा कि मुझे कौन कौन से प्रॉप चाहिए, ठीक है, ये मैं बताऊंगा, मैंने बोला है कि यार मेरा जब भी ये कंपोनेंट आप इस्तेमाल करोगे ना तो इसको प्रॉप आपने लाजमी देना है और वो होगा नेम। अच्छा, तो आ जाओ जी इतना काम जरा हम करके देख लेते हैं। अच्छा, ये पूरा जो है ना हाई का कंपोनेंट, इसको चलो उड़ाते नहीं है, इसको हम रहने देते हैं, लेकिन हम इसके नीचे जो है ना एक और बना लेते हैं, जिसका हम नाम क्या रख देते हैं, एक मैं मज़ीद कंपोनेंट बना रहा हूँ नीचे, ठीक है, जिसका मैं नाम रख देता हूँ, अच्छा इसको तो हम, अच्छा इसका नाम मैं रख देता हूँ पोस्ट, सही है, पोस्ट इसका नाम रख दिया मैंने, और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रॉप्स, ठीक है, प्रॉप में एस लगा रहे हैं क्या लोग या नहीं लगा रहे हैं, हाँ नहीं लगा रहे हैं, वैसे ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं एस लगाऊं या ना लगाऊं, क्योंकि ये फंक्शन का पैरामीटर है, इसकी स्पेलिंग मेरी मर्ज़ी की होती है, लेकिन ये कि थोड़ा कन्वेंशन है, जो सब लोग लगा रहे हैं वही लगाएं तो बेहतर है। अच्छा, ये प्रॉप्स ले लिया मैंने, अब मैं यहाँ से रिटर्न जो करूँगा वो एक्चुअली एक डिव ही रिटर्न करूँगा मैं, लेकिन डिव रिटर्न करने के बाद उसके अंदर मैं क्या लगाऊँगा, हाई के आगे यहाँ पर लगा दूंगा मैं प्रॉप्स डॉट नेम, ठीक है, और साथ में मैं एक्सक्लेमिनेशन मार्क भी लगा दूंगा, ठीक हो गया जी, पोस्ट का अपने कंपोनेंट बनाया। अच्छा, मैं इस ये हाई को अब रेंडर नहीं करा रहा, हाई बना हुआ है हालांकि, लेकिन मैं पोस्ट को रेंडर करा रहा हूँ, ठीक है, हाई वाला जो कंपोनेंट है वो बना हुआ ज़रूर है, लेकिन मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोई फंक्शन अगर मेरी फाइल में बना हुआ हो उसको मैं इस्तेमाल ना करूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो पड़ा रहेगा साइड पर, ठीक है, नहीं इस्तेमाल हो रहा, ये मैं अब पोस्ट वाले को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, और पोस्ट वाले को मैं ज़रा सिंपल रखा हुआ है मैंने भी, उसमें तो हमने बहुत ज़्यादा गन मचा दी थी, सही ना, बूटस्ट्रैप वगैरह बहुत कुछ उसमें लगा दिया था हमने, ठीक हो गया जी। तो अब मेरे पास जो ये प्रिंट होगा ना, ये हाय
और यहाँ पे मैंने नेम में क्या दे दिया, नेम में मैंने अभी कुछ नहीं दिया है, हाय मलिक, दैट्स इट। आ जाओ भाई, चलाया हुआ है ना इसको अपने, हाँ ये रहा, ठीक है जी, ये हाय मलिक लिखा हुआ गया। इसका मैं इंस्पेक्शन भी खोल लेता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन भी कर लेता हूँ, ठीक है, इसमें कॉन्सोल पे भी चला जाता हूँ मैं, और यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है, ये वार्निंग जो है इंशाल्लाह जब नई ऐप बनाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी और मैं उसी वक्त बता दूंगा ये वार्निंग आ रही क्यों है। तो ये हाय मलिक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से मैं अगर चेंज करता हूँ, मैं डेव करता हूँ इसको, तो फ़ौरन ये क्या हो जाएगा, डेव हो जाएगा। तो ये मेरा कंपोनेंट अब क्या हो गया, डायनेमिक कंपोनेंट हो गया, सही है। इसमें क्या नहीं समझ आया बताओ, देखो अच्छा, ये मैं हाथ से इस तरह चेंज तो करूँगा नहीं, ये भी ये हाथ से मैंने समझाने के लिए किया है, ये कभी, ये हमेशा इसी तरह लिखा रहेगा, ये डेव लिखा हुआ है ना, देखो ये एक फंक्शन बना हुआ है, ये फंक्शन यहाँ पे कॉल तो नहीं हो रहा, मैं रिएक्ट को दे रहा हूँ कि बच्चा ऐसे कॉल करना है उसको, तो कॉल करते हुए मैंने कहा यार ये पैरामीटर भी देना उसको, जो कि प्रॉप्स जिसको कहा जा रहा है, तो ये मैंने इसको क्या समझ लो, इसको पैरामीटर दे के हमने कॉल किया। जब ये चलता है तो यहाँ पे प्रॉप्स में ये एज अ ऑब्जेक्ट मिलता है, ये कैसे मिलता है, एज अ ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये नेम के साथ कुछ और भी हो सकता था, मैंने नेम के साथ टाइटल भी दे दिया एक, ठीक है, मैंने कहा कि भाई टाइटल होगा इसका मिस्टर, ठीक है, टाइटल और मिस्टर के अलावा कौन कौन से होते हैं मिस्टर भी नहीं, अभी कहीं और ले गया तुम, पहुँचा नहीं अभी ये टाइटल होते हैं, मिस्टर के अलावा होते हैं मिस या मिसेज, ठीक है, या डॉक्टर प्रोफेसर भी होता है, ठीक है, आजकल टाइटल नया मार्केट में आया है, दे और देम, सही है, छोड़ो अभी तुम लोग, अभी पता नहीं है तुम लोगों को, अच्छा है भाई नहीं पता है दूर हो तुम लोग बुराइयों से, माइंड कर जाते हैं बच्चे, बोलते हैं हम दे देम है हम भाई, ही शी नहीं है हम नहीं, वो भी ये वो ऐसे मिस्टर लिख देंगे ना उनके नाम के साथ, वो फिर गर्म खा जाते हैं, बोलते हैं यार आपने मेरे से नाम के साथ मिस्टर लिख दिया, आपने पूछा नहीं मेरे से टाइटल मेरा क्या है आपने एज्यूम कर लिया मेरा जेंडर, मतलब ऐसा कैसे यार, प्रॉप डॉट टाइटल अभी लेता हूँ ना मैं उधर, प्रॉप डॉट टाइटल देखो मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये देखो एक पैरामीटर मैंने इनपुट लिया हुआ, उसको मैं इस्तेमाल ना करूँ तो कोई मसला है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये प्रॉप के अंदर मुझे अब क्या मिलेगा, अब मुझे डॉट नेम भी मिलेगा और डॉट टाइटल भी मिलेगा, दोनों चीज़ें मिलेंगी, लेकिन मैं चलो एक को मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, चलो इस्तेमाल कर, देखो इस्तेमाल नहीं भी करूँगा तो कोई मसला नहीं है, रिफ्रेश किया कोई मसला नहीं है, ठीक है, इस्तेमाल कर लूँगा, ठीक है, प्रॉप्स डॉट टाइटल, ठीक है, इस्तेमाल कर लिया तो भी ठीक है, ये लो मिस्टर डेव हो गया यहाँ पे, ठीक है, आसान है, मुश्किल तो नहीं है, अब समझ आ गया, क्लियर हो गया, ये बाद वाला पहले नहीं आ रहा, इसका कोई सीक्वेंस थोड़ी ना है, ये मैंने देखो दो प्रॉप्स दिए हैं, दोनों को मैंने रिसीव किया है, अब इसको मैं यहाँ पहले लिखूँ या बाद में लिखूँ एक ही बात है, ठीक है, डॉट करके मुझे बहरहाल दोनों मिलेगा, किसी को मैं दो दफ़ा लिख दूँ, मैं टाइटल को इधर भी लिख दूँ, मैं उधर भी लिख दूँ, है ना, मैं कहूँ मिस्टर डेव मिस्टर, डबल मिस्टर हो गया ये, तो ये तो भी कोई मसला नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ वेरिएबल, इसको मैं जितनी दफ़ा प्रिंट करा दूँ मेरी मर्जी है, प्रिंट ना कराऊँ तो भी ये कुछ नहीं बोलेगा, सही है, दिस इज़ जस्ट अ इनपुट वेरिएबल, क्योंकि हमने ये देखा है ना फंक्शन पढ़ते हुए हमने ये देखा था कि फंक्शन का जो भी इनपुट होता है, जो भी पैरामीटर होता है, दैट इज़ सिमिलर टू लोकल वेरिएबल ऑफ दैट फंक्शन, अगर हम उस फंक्शन के अंदर कोई लोकल वेरिएबल बनाते हैं तो उसका जो स्टेटस है और उसके अंदर जो इनपुट मिल रहे हैं उसका जो स्टेटस है वो दोनों सेम होता है, ठीक है, जब ये फंक्शन चलता है तो ये जो इसके दो तीन चार पैरामीटर जितने भी हैं वो मेमोरी में जब जगह लेते हैं जब फंक्शन चलता है, जब फंक्शन खत्म होता है वो मेमोरी छोड़ देते हैं, जस्ट लाइक अ लोकल वेरिएबल ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है, तो ये एक्चुअली लोकल वेरिएबल होते हैं पैरामीटर्स जितने भी होते हैं। अच्छा बोलो, सवाल पूछो। सर ये आप जो आप नेम के आगे डेव लिख रहे हैं, हाँ सर, ये जब हम यूजर का अगर मैं चाहता हूं यहां पे इनपुट रखवाना, हां तो डेव को हटा खाली कर दूंगा और डेटा डॉट के तरीके लगाऊंगा तो ये कैच करेगा। मैं तुम्हारा सवाल नहीं समझ रहा, तुम ये पूछ रहे हो, असल में सवाल तुम्हारा ये है कि अभी तो मैंने हाथ से लिख दिया लेकिन एक्चुअल में मैं लिखूंगा कैसे, सवाल तुम्हारा ये है ना कि अभी तो मैंने हाथ से लिख दिया, एक्चुअल में मैं कैसे लिखूंगा भाई, एक्चुअल में डेटाबेस से आएगा ये, सही है, हाँ एक्चुअल में ये डेटाबेस में वैल्यू सेव होंगी सारी, इतना समझ आ गया। अब एक काम करते हैं, नेम अभी इसको ना हम क्या करते हैं, इसको हम बना देते हैं फेसबुक की पोस्ट, आसान है, फेसबुक की पोस्ट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं,
डिव एक होगा, उसके अंदर हमने बोला भाई एक होगा हमारा एच टू, बल्कि एच वन, एच टू क्यों, एच वन करते हैं, एच वन सही है। एच वन में क्या होगा, उस पोस्ट का टाइटल होगा। अच्छा फेसबुक की पोस्ट में तो टाइटल नहीं होता ना, जस्ट नेम होता है, बंदे का नाम होता है, तो हम ज़रा वो वाला फॉलो करते हैं। मैंने कहा भाई बंदे का नाम होगा, सही है। उसके बाद क्या होगी, उसके बाद होगा स्पैन में होगा डेट, मेरे पास स्पैन में नहीं बल्कि डिव में ही होगा ये भी, क्योंकि इसको मैं डिव को बाद में क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। फ्लैक्स बॉक्स के ज़रिए हम जब इस्तेमाल करेंगे तो डिव और स्पैन हो फ़र्क नहीं पड़ता, सही है। और यहाँ पर मैं क्या लगा दूँगा, मैं लगा दूँगा props डॉट डेट, जो कि मैंने अभी इनपुट नहीं लिया, ले लेता हूँ अभी, अभी रुक तो जाओ, अभी रुक तो जाओ। मैंने कहा कि भाई 3 January 2013, अभी मैं एज अ स्ट्रिंग ये डेट यहाँ से इनपुट ले रहा हूँ, एज इट इज़ उसको मैं प्रिंट कराऊँगा, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ऐसे इनपुट होता है ना उसके अंदर, फेसबुक के अंदर डेट ऐसी ही आ रही होती है ना, सही है। अच्छा डेट आ गई, उसके बाद मैंने कहा उसके बाद वही होगा एक आधा पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ में क्या होगा, props डॉट टेक्स्ट, सही है। यहाँ से टेक्स्ट भी ले लेते हैं हम, क्या चीज़ आ रहा है, हाँ डेट के साथ टाइम भी होगा ना, सही है। फिलहाल मैंने इसी में दे दिया टाइम, ये पूरा ऐसे डेट प्रिंट हो गया मेरे पास, ठीक हो गया। अब देखो मैंने यहाँ से तीन पैरामीटर जो है वो इनपुट दिया है, और तीनों पैरामीटर को मैंने क्या करवाया है, अपनी पोस्ट, यार ये क्या चक्कर है, इसको मैं फॉर्मेट, फॉर्मेट का पता नहीं कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिया है, वो जो है ना इसको आगे ले जाता है। हालांकि इसको मैंने 40 लाइन पर लिमिट किया था, मुझे याद है किसी दिन, अब वो कॉन्फ़िगरेशन छिड़ गई है इसकी। कोडिंग में ना ये नहीं होना चाहिए यार, इससे मेरी बहुत हटती है, और ये बेस्ट प्रैक्टिस भी नहीं है। कोडिंग के अंदर ना 40 कैरेक्टर 50 कैरेक्टर पे वो लाइन ब्रेक हो जानी चाहिए खुद। अब ये भी करेगा लेकिन ये पता नहीं कब किस लाइन में जाके करेगा, कैसे होता है वो सेटिंग में, क्या होता है यार बताओ ना, ऑल ऑल्ट जेड नहीं, वर्ड रैप नहीं, लाइन ब्रेक होता है वो, नहीं नहीं लाइन ब्रेक अलग चीज़ है, वर्ड रैप अलग चीज़ है, वो तो पूरे को रैप मारेगा भाई, यार पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार, इसको पहले गूगल करूँगा मैं, मेरी हट रही है अभी इससे बहुत। लाइन ब्रेक सेटिंग वीएस कोड, नहीं लिमिट टू 80 कैरेक्टर VS कोड, एडिटर रूल 80 है बस, एडिटर डॉट रूल पे तो 80, यार ये तो बड़ा आसान बता दिया इसने, सेटिंग 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 यूजर सेटिंग, यार क्या कर दिया इसने ये, यहाँ से सेटिंग में जाता हूँ, सेटिंग हाँ ये आ गया ना, कर्सर 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 फाइल्स, इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, ये यार क्या सीन है।
रेंडरिंग मोर देन वन रूल इन वीएस कोड. अरे यार इससे तो रूलर डिस्प्ले हो गया, रूलर डिस्प्ले तो हो गया लेकिन ये मूव नहीं हो रहा. अब भाई किसी को पता है ये कैसे होता है? गूगल करता हूँ दोबारा मैं. ऑटो लाइन ब्रेक ऑन 80 वीएस कोड ऑटोमेटिकली हार्ड रैप लाइन कॉलम. क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, क्या सीन हो गया मेरे साथ ये? हाँ बताओ बताओ बताओ. यार वर्ड रैप, ये वर्ड रैप ये वाला है ना, ये वाला. यार नहीं ये नहीं करना है मेरे को, ये नहीं करना है. ये वर्ड रैप मैंने किया ना तो ये देखो हो तो गया है वर्ड रैप, लेकिन ये 80 कैरेक्टर पे नहीं हुआ. अच्छा नहीं हुआ तो 80 कैरेक्टर पे ही है, हुआ तो 80 कैरेक्टर पे ही है. अच्छा नहीं नहीं ये 80 कैरेक्टर पे नहीं हुआ ना, देखो ना अभी आगे निकल गया इससे. अच्छा चलो अभी फिलहाल वर्ड रैप से काम चलाते हैं. भाई किसी को पता लगे ये सेटिंग तो बताना, वरना फिर वही सर खा पाऊंगा, गूगल करूंगा मैं बैठ के. ये वाली सेटिंग ना यार एक दफ़ा बड़े अरसे बाद ये छिड़ गई है मेरी. बहुत पहले मैंने एक दफ़ा इस पर टाइम लगाया था, मुझे याद पड़ रहा है. वेल यार चलो दोबारा से इसको ना कोशिश करते हैं सही करने की. सही है. मैं अभी मैं वो यूज़ ही नहीं करूँगा ना फ़िलहाल के लिए, जो मैं यूज़ करता हूँ ना हर थोड़ी देर बाद फॉर्मेटिंग इसकी, वो मैं फ़िलहाल अभी नहीं कर रहा. अच्छा भाई दोबारा दोबारा वापस आ जाओ, वापस आ जाओ. अच्छा भाई देखो मेरे पास क्या है इस वक्त, एक अदद कंपोनेंट है जो मेरे हाथ का बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने क्या दे दिया, एक पैरामीटर दो पैरामीटर और तीन पैरामीटर, और ये तीनों पैरामीटर यहाँ पे मैंने डिस्प्ले करवा दिया. सही है, आसान है, मुश्किल तो नहीं है. अब एक काम करते हैं इसके ऊपर कर लेते हैं अब कुछ थोड़ी बहुत सी स्टाइलिंग. ठीक है स्टाइलिंग जब भी आप करेंगे तो आप कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे आपका कंपोनेंट होता है उसी के साथ आप एक स्टाइल की शीट बनाते हैं अलग से. ठीक है हर कंपोनेंट के लिए अलग स्टाइल शीट बनाते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हमारा हेलो वर्ल्ड का प्रोजेक्ट है तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स डॉट जे एस एक्स में काम कर रहा हूँ मैं, तो स्टाइल डॉट सी एस एक्स में इसका काम कर लेता हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास एक ही स्टाइल की शीट है और एक ही जावास्क्रिप्ट की फाइल है. ठीक है एक्चुअल में हम इसके लिए अलग अलग फाइलें बनाते हैं, लेकिन फिलहाल अभी टू कीप इट सिंपल इसी में हम काम कर लेते हैं. अच्छा कैसे करेंगे हम काम, इसके अंदर मुझे क्लास देना पड़ेगा, जाहिर है क्लास के बगैर मैं सीएसएस में डिव पे डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ, लेकिन दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस. हर कंपोनेंट के लिए अलग फाइल बनाएंगे हम इन फ्यूचर, ठीक है अभी नहीं बना रहे. अच्छा तो मैंने क्लास नेम दे दिया इसको पोस्ट. ठीक है एंड नाउ यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर आके हम बोलेंगे कि भाई डॉट पोस्ट के ऊपर आप क्या कर दो. अच्छा इसको मैं लगाऊंगा div डॉट पोस्ट. सही अच्छा अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप एलिमेंट का नाम और उसके ऊपर क्लास लगाएं, क्योंकि हो सकता है पोस्ट किसी और के ऊपर भी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि फिर वो div. तो div डॉट पोस्ट जो ज़रा ज़्यादा सिक्योर काम है. ठीक हो गया. अच्छा div डॉट पोस्ट के ऊपर मैं आगे बोलूँगा कि क्या हो जाए भाई, आपका बॉर्डर हो जाए 1 pixel सॉलिड ब्लैक हो जाए. सही है चल रहा है ना, ये कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, ये यहाँ डिस्प्ले हो रहा है. अच्छा टेक्स्ट हमारा ज़रा कम सा है तो टेक्स्ट को ज़रा हम बढ़ा लेते हैं ताकि ये एक्चुअल पोस्ट जैसा दिखना शुरू हो जाए. इसी आर्टिकल में से ही हम एक टेक्स्ट उठाते हैं, इसी आर्टिकल में से हम एक पैराग्राफ उठा लेते हैं जिसको हम इस पोस्ट कंसिडर कर लेते हैं कि यार ये इसकी पोस्ट है बंदे की. ठीक है मैंने कहा कि यार ये जो है ना ये क्या है, इसकी पोस्ट है इस बंदे की.
सही है जी। तो मेरे पास नेम है, डेट है और पोस्ट है। आगे देखते हैं जी कैसा दिख रही है ये पोस्ट। फिलहाल ये पोस्ट कुछ ऐसी दिख रही है, सही है। अच्छा, इस पोस्ट को मुझे क्या करना है, थोड़ा दीवारों से दूर करना है पहले। तो दीवारों से ये बिल्कुल चपका हुआ है, दीवारों से दूर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मार्जिन दूंगा पहले तो। सही है, मार्जिन मैंने दे दिया भाई 0.5 REM। सही है, REM सब लोगों को पता है, दीवारों से दूर हो गया। सही है, अब मुझे इसको जो कंटेंट ये टाइट हुआ है ना, अपने अपने कंटेंट पे ये टाइट हुआ है, इसको भी मुझे इसके कंटेंट से थोड़ा दूर करना है। अब क्या दूंगा मैं, अब इसको मैं दूंगा पैडिंग। सही है, पैडिंग मैं दे देता हूँ 0., चलो ये भी 0.5 दे देता हूँ मैं। सही है, थोड़ा अभी बेहतर होता जा रहा है ये, हैं थोड़ा सा अच्छा सा लगने लग रहा है अभी ये। अच्छा, और इसको मैं क्या दे देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ बॉर्डर। दो ऑप्शन है मेरे पास, एक तो बॉर्डर रेडियस दे सकता हूँ मैं, दूसरा ये कि मैं इसको एलिवेट कर दूँ। सही है, एलिवेशन, एलिवेशन पता है ना सब लोगों को, इसको एलिवेशन नहीं पता यार, क्या बात कर रहे हो। चलो बता देता हूँ लगे हाथों, ठीक है, CSS एलिवेशन, एलिवेशन ये बच्चों ने ऐसा आइटम बना बना के डाला हुआ है इधर, आपने देखा ही नहीं है यार। अरे कहाँ चला गया, अरे गायब हो गया भाई, गायब हो गया। ये देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन। ये असल में तो बॉक्स शेडो के जरिए अचीव किया जाता है, लेकिन एलिवेशन जो है ना, आप जब देखोगे ना एलिवेशन अलग अलग तरह की, तो आप बोलोगे वाओ। ये देख रहे हो, ये आ गई अलग अलग तरह की एलिवेशंस, 0, 1, 2, 3, 4, ये समझ रहे हो, इंटेंसिटी कम और ज़्यादा हुई हुई है इसमें। नमाज के लिए भी भेज देता हूँ, ठीक है, कम और ज़्यादा हुई हुई है। तो ये 16 नंबर वाला आइटम जो है, हम क्या करते हैं, इसको पकड़ लेते हैं। नीचे दिख नहीं रहा इस समय, दिख रहा प्रोजेक्टर पे, अबे नहीं दिख रहा है भाई, क्या हो गया, दिख रहा है बिल्कुल, क्यों नहीं दिख रहा। अच्छा, ये 16 नंबर वाला जो है हमारा, इसके ऊपर लगा हुआ है एलिवेशन कॉलन 16। यार इसका आप CSS कैसे कॉपी करें, ये तो बहुत मुश्किल इसने कर दिया। CSS स्कैन, हाँ भाई वो एक था उस पर लाइन से ना सारा आ रहा था, हाँ वो क्लिक करने से कॉपी होता है। क्या नाम बोला, CSS स्कैन, हाँ यार मैं यही तो ढूंढ रहा था जो मुझे मिल नहीं रहा था, ये आ गया ना, देखो पहले से विजिट भी किया हुआ है मैंने, ये मैं इसी को ढूंढ रहा था असल में। देख रहे हो, ये सारे एलिवेशन अलग अलग इसने डिफाइन किया हुआ है इधर, तो इसमें से कोई सा भी एलिवेशन मैं कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। देख रहे हो कितने सारे हैं, इसमें से जो भी एलिवेशन पसंद आया तो मैं वो उठा लो। 30 वाला सही है और 31 वाला भी सही है, 31 वाला उठा लेते हैं, ज़रा एलिगेंट सा ये, ठीक है। और 31 वाले को उठा के मैं क्या करूँगा, इधर ला के ऐसे लगा दूंगा यहाँ पे बॉक्स शेडो। ये सिंपल मतलब कलर्स हैं, ठीक है, शेडो का जो दो कोनों पे दो कलर दिया हुआ है, और उसका ज़रा क्या उसको बोलते हैं, पहला वाला हमारा ऑफसेट होता है राइट लेफ्ट का, दूसरा वाला ऑफसेट होता है टॉप बॉटम का, और तीसरा वाला होता है अमाउंट ऑफ ब्लर। सही है, तीन होता है ना ये, और चौथा पता नहीं ये क्या दिया है, नहीं असल में ये पहला पार्ट इसका ये टॉप बॉटम का है, और ये दूसरा पार्ट इसका ये राइट लेफ्ट का है। जब कॉमा कॉमा करके दो देता हूँ तो एक को टॉप बॉटम लेता है, एक को राइट लेफ्ट लेता है, ठीक है। सिंगल देता हूँ तो चारों साइड एक जैसा लगा देता है, तो ये इसने ना टॉप और बॉटम का अलग लगाया और राइट लेफ्ट का अलग लगाया। फिर मैं बॉर्डर हटा दूंगा इसका, ठीक है, बॉर्डर की अब मुझे ज़रूरत नहीं है। कैसा हो गया, अच्छा हो गया ना। इसकी पैडिंग मुझे बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन अब मार्जिन इसका जो है ना वो मुझे बढ़ाना पड़ेगा, 2 REM करना पड़ेगा। सही है, पैडिंग भी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी मुझे। हाँ भाई बेहतर होता जा रहा है। अच्छा, अब मुझे इसका जो डेट है ना, इसका कलर चेंज करना है। इसके डेट का जो कलर है वो मैं कहाँ से कॉपी मारूँ, एक्चुअल फेसबुक से कॉपी मार लेता हूँ। सही है, facebook.com लगाता हूँ मैं, और साथ में मैं लगा देता हूँ अपना पेज। और इससे हम कलर कैसे उठाते हैं, कलर हम इसको ऐसे करते हैं यूँ, यहाँ से कलर पिकर पकड़ते हैं, पिक कलर फ्रॉम पेज, और इसको करते हैं जूम इन। सही है, ये आ गया भाई।
कलर आ गया पकड़ में, सही है, निशाना लगा के हमने मार दिया कलर। मैंने कहा कि भाई div डॉट पोस्ट सही है, और उसके अंदर क्या है एक अदद, इसको कुछ ना कुछ मुझे नाम देना पड़ेगा वरना ये तो बाकी भी दोनों वो है ना, ये मेरा div हो गया, इसके अंदर एच वन है, चलो एच वन तो मैं पकड़ लूँगा। इस div को मैं कैसे पकड़ूँगा, इस div को मुझे नाम देना पड़ेगा, क्लास नेम डेट देना पड़ेगा, सही है। तो मैं इसको बोलूँगा कि भाई डॉट डेट जो है ना इसके अंदर उस पर, अच्छा मैं सिर्फ डॉट डेट बोलता तो भी पकड़ में आ जाता, सही है, लेकिन चलो ऐसे करके मैंने बोल दिया तो अच्छा है। क्या बोल रहा है ये, हाँ ये बोल रहा है कि यार ये क्या किया आपने, अच्छा मैंने कहा कि कलर ये कर दिया, सही है, आगे अब देखते हैं क्या रिपोर्ट है, सही हो गया, बेहतर होता जा रहा है, सही है। अच्छा और इसमें क्या कर सकते हैं, एक अदद फ़ोटो भी लगा लें, डेव के पड़ोस में डेव की फ़ोटो, आ जाओ डेव की फ़ोटो निकालते हैं पहले इसके आर्टिकल से, डेव की फ़ोटो कहाँ गई, ओपन इमेज इन न्यू टैब, अच्छा इसकी फ़ोटो है ही ऐसी, चलो छोड़ो अपनी लगाता हूँ इसने अपनी फ़ोटो का बेड़ा गर्क किया हुआ, सही है। मैं गया भाई डाउनलोड्स में और यहाँ पे जा के मैंने बोला ये जो है ना प्रोफाइल डॉट जेपैग, ओ क्या किया मैंने, ये सही है, ये मैं इधर लेकर आ गया। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ मेरे भाई के इमेज को इम्पोर्ट करना पड़ता है, जैसा कि लास्ट क्लास में ही डिस्कस हो गया था, मैंने कहा इमेज इम्पोर्ट प्रोफाइल प्रोफाइल img फ्रॉम डॉट स्लैश img स्लैश व्हाट, क्यों नहीं पकड़ में आ रहा है इसके, डॉट img स्लैश और प्रोफाइल डॉट, ये चलो हाथ से लिख देते हैं, पता नहीं इसको समझ क्यों नहीं आ रहा, हालांकि समझ आ जाना चाहिए इसके, URL भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, URL तो मैंने लास्ट क्लास में लगा के दिखा दिया था ना तुम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको क्या बोल देता हूँ कि यार प्रोफाइल img इक्वल्स टू प्रोफाइल img, सही है, मुश्किल तो नहीं हो रहा ना, आसान है ना। और यहाँ पे आके मैं क्या कर देता हूँ, एक अदद इमेज लगा देता हूँ, और src में क्या लगा देता हूँ इसके, प्रॉप्स डॉट और प्रोफाइल img, और ये ऑटो कम्प्लीट ने पूरा कम्प्लीट कर दिया, ये पूरी मेरे इमेज की क्या बन गई, वो बन गया पूरे इमेज का जो है ना मेरा, तो कुछ इस तरह का बन गया मेरा इमेज इस वक्त, ठीक है। इसको साइड बाई साइड लाना है, कैसे लाऊंगा मैं इसको साइड बाई साइड, फ्लैक्स बॉक्स के ज़रिए लाऊंगा, ठीक है। इन दोनों को क्या करूंगा मैं, एक अदद पेरेंट में पैक मारूंगा, इन दोनों को एक अदद पेरेंट में पैक मारूंगा मैं, ऐसे ही करता था ना मैं, और फिर इसको मैं कर दूंगा साइड बाई साइड, ये मेरा डिव है, इसके अंदर एक अदद इमेज है और एक अदद एच वन है, इन दोनों को मैं करूंगा साइड बाई साइड, साइड बाई साइड करने से क्या होगा कि ये, ठीक है अभी तो खैर साइड बाई साइड नहीं होने लगा ये, जब तक मैं इसको करूंगा नहीं ये होगा नहीं, आ जाओ करते हैं। अच्छा इसको मुझे कुछ नाम भी देना पड़ेगा, मैं कह देता हूँ पोस्ट हेड, क्योंकि पोस्ट का ये टॉप है ना, तो पोस्ट हेड नाम दे देता हूँ इसको मैं, क्लास नेम, और मैं कहता हूँ कि भाई पोस्ट हेड, सही है पोस्ट हेडर हो गया काइंड ऑफ ये, तो मैं कहता हूँ यार पोस्ट हेडर जो है ना उसको बना दो आप फ्लैक्स बॉक्स, आ जाओ किधर है मेरी स्टाइल की फाइल, मैं कहता हूँ यार कि जो है ना, जो है ना आपका पोस्ट के अंदर जो है, जो डॉट पोस्ट हेड है उसको आप क्या बना दो, पी कैपिटल कर दिया था मैंने वहाँ, सही नहीं स्मॉल है, सही है इसको आप, मैं कह रहा हूँ कि भाई डिस्प्ले बना दो इसको फ्लैक्स, सही है डिस्प्ले फ्लैक्स बनाते ही क्या हो गया साइड बाई साइड आ गया। अच्छा मेरा ख्याल है शायद डेट को भी मुझे ना इसके साथ कर देना चाहिए, क्या ख्याल है,
अच्छा इसका मैं नाम तो चेंज करूँ, इसका नाम तो हटाऊँ मैं, फ़ोटो मेरी है तो नाम भी मेरा होगा फिर। सही है, मेरा ख्याल है डेट को भी इस नाम के नीचे कर देते हैं, यानी साइड बाई साइड वाले मामले में ले आते हैं। सही है, आ जाओ। कैसे करेंगे इसको हम, ये जो मेरी इमेज है ये एक तरफ, और ये जो H1 और इसके नीचे जो डिव है ये एक तरफ, ऐसे ही करना चाह रहा हूँ ना मैं। H1 और डिव जो है वो एक तरफ, तो इन दोनों को मुझे मज़ीद एक डिव में पैक करना पड़ेगा। सही है, मैंने कहा कि यार डिव, सही है ये डिव हो गया। तो अब मेरा ये है फ्लैक्स बॉक्स, देखो ना जो चीज़ मैंने नीचे नहीं लानी है वो चीज़ सही नीचे आ रही है, देख रहे हो, ये वर्ड रैप की मेहरबानी है। ये इसको बंद कर देता हूँ, सही है वर्ड रैप से। अच्छा तो ये मेरा है फ्लैक्स बॉक्स, इतना पार्ट मेरा फ्लैक्स बॉक्स है। सर ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले, ये पुरानी बातें रिपीट हो रही हैं, अभी एकदम फिर क्लाइमैक्स होगा हमारा जैसे ये कंप्लीट होगा। अच्छा जी, तो ये मेरा फ्लैक्स बॉक्स है, ये क्या करेगा, अपने जो डायरेक्ट चाइल्ड हैं जो, उसको ये कंट्रोल कर सकता है। डायरेक्ट चाइल्ड इसका एक इमेज है और इसका एक ये डिव है। तो मैं अगर इसको बोलता हूँ फ्लैक्स बॉक्स को कि क्या कर दो तुम, जस्टिफाई कंटेंट, क्या कर दो, फ्लैक्स स्टार्ट। सही है, फ्लैक्स स्टार्ट करूँगा मैं क्योंकि मुझे लेफ्ट पे उसको अलाइन करना है। तो फ्लैक्स स्टार्ट मैं बोलूँगा तो वो साइड बाई साइड रहेगा, और बाई डिफ़ॉल्ट वो फ्लैक्स स्टार्ट ही होता है एक्चुअली। ठीक है, तो वो फ्लैक्स स्टार्ट ही मुझे दिख रहा है। आगे ज़रा इसको हम यहाँ से मुआयना कर लेते हैं। ये है मेरा फ्लैक्स बॉक्स जिसको मैं कह रहा हूँ पोस्ट हेड, और उसके अंदर एक अदद है इमेज जो कि मेरी लेफ्ट पे आ रही है, और दूसरा जो है मेरे पास क्या है, ये डिव है जो कि राइट पे आ रहा है, और इस डिव के अंदर फिर मज़ीद जो है मेरे पास दो वो हैं। ठीक है, इस डिव के अंदर मेरे पास मज़ीद अंदर एक अदद H1 है और एक डिव है, और ये टॉप टू बॉटम चल रहे हैं जैसा कि नॉर्मल बिहेवियर है। अच्छा, H1 के ऊपर जो है कुछ क्योंकि मार्जिन लगा हुआ है जिसकी वजह से वो डेट काफ़ी नीचे दिख रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं काम क्या करता हूँ, अपने इमेज का साइज़ मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इसको मैच करने के लिए। ठीक है, कितना बढ़ा दूँ भला, ये है मेरी हाइट ना, हाइट को मैं कितने पे लाऊँगा तो ये इससे मैच हो जाएगा। अच्छा, मार्जिन भी कुछ मैं कम करना चाहूँगा एक्चुअली। सही है, मार्जिन भी मुझे जरा पसंद नहीं आ रहा है इसका इतना ज़्यादा मार्जिन, तो मैं इस पर लगाऊँगा, मैं बोलूँगा भाई मार्जिन बॉटम ज़ीरो। सही है, मार्जिन बॉटम मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इसका। अच्छा, और इमेज पे आके मैं क्या लगा दूंगा, ये जो साइज़ मैंने इसका थोड़ा सा बढ़ाया था इसको मैं वापस 50 पे कर देता हूँ, तो ये कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है, थोड़ा सा इसको बढ़ाना ही पड़ेगा मुझे। सही है, थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा रहा हूँ जस्ट टू मेक इट लुक ब्यूटिफुल। ठीक है, तो मैंने इसको 65 कर दिया है। आ जाओ भाई, तो हमने क्या किया था, इमेज को आके मैंने बोला था 65, वो जो आपकी विर्थ हाइट जो है, जो यहाँ पे मैंने 50-50 लगाया हुआ है ना, इसको मैंने 65 कर दिया। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या कर दिया, H1 के नीचे से मैंने वो ख़त्म करा देना है, मार्जिन ख़त्म करा देना है। आ जाओ भाई, H1 के नीचे से मार्जिन कैसे ख़त्म होगा, H1 की ज़रा लोकेशन देख लेते हैं हम, पोस्ट हेड के अंदर, पोस्ट हेड के अंदर जो डिव है डायरेक्ट और उसके अंदर H1 है। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं करता, मैं इसको ये बोलता हूँ डायरेक्ट, मैं पोस्ट का नाम लेता हूँ, पोस्ट के अंदर एक ही H1 है, तो मैं बोलता हूँ कि भाई पोस्ट के अंदर जितने भी H1 है सबके साथ ये कर दो, तो ये काम मेरा हो जाएगा होपफुली। ठीक है, मैंने कहा कि भाई डिव डॉट पोस्ट के अंदर, अच्छा स्पेस दे रहा हूँ डिसेंडेंट, अगर एरो दे देता तो ये डायरेक्ट चाइल्ड हो जाता। मैंने कहा भाई H1 का क्या कर दो, मार्जिन और बॉटम जो है ना वो कर दो ज़ीरो आप। सही है, ये सेट हो गया। अच्छा, अगला काम मैंने क्या करना है, अगला काम इसको मज़ीद ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैंने ये करना है कि इस डिव के अंदर जो दो इसके, यानी फ्लैक्स बॉक्स है जो मेरा, इसके दो जो चाइल्ड हैं, ठीक है, इन दोनों चाइल्ड के दरमियान में कुछ मुझे फासला देना है। कैसे दूंगा मैं ये, फ्लैक्स गैप करके दूंगा। ठीक है, जिसको मैंने बोला है कि भाई आप डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाओ ना, इसको मैं बोलूँगा कि फ्लैक्स सिर्फ गैप है, अच्छा सिर्फ गैप है, और मैंने कहा कि यार टू, देखते हैं कितना गैप देता है।
अरे टू गैप तो बहुत कम है, पता भी नहीं लग रहा है। अच्छा पिक्सल और आर ई एम में देना पड़ता है ना मुझे। चलो पिक्सल नहीं सॉरी यार, टू आर ई एम ना, सही है टू आर ई एम नहीं है, टू आर ई एम बहुत दूर हो गया। 1.5 नहीं 1 हम डिज़ाइनर तो है नहीं भाई, हमें तो देख के पता लगता है, सही है। तो गैप 1 आ रही है, ये हो गया जी। अच्छा अब जो मेरी इमेज है उस इमेज को मैंने क्या करना है, गोल भी करना है। ये जो इमेज है मेरी इसको मैं चाह रहा हूँ मैं गोल कर दूँ, तो बॉर्डर रेडियस दूंगा। लेकिन इस इमेज की लोकेशन क्या है, इस इमेज की लोकेशन है पोस्ट, और पोस्ट हेड के अंदर वो डायरेक्ट एक इमेज है, पोस्ट हेड के अंदर एक ही इमेज है ये डायरेक्ट है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि यार पोस्ट हेड के अंदर जाके ना आप पोस्ट हेड के अंदर जो है वो क्या है, एक अदद इमेज है, और उस पर क्या कर दो आप बॉर्डर रेडियस उसका कर दो 50%, सही है। तो मेरी पिक्चर क्या हो गई, गोल हो गई। अरे अब मुझे ये गैप कुछ ज़्यादा दिखने लग गया है, क्या सीन है ये, इसको गैप को थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं मज़ीद 0.5, सही है, इसको 0.5 करूँगा अब मैं, ये हो गया जी। अब इसके अंदर एक मसला है, अब इसके अंदर मसला ये है कि ये जो टेक्स्ट है ना ये बहुत ज़्यादा चपका हुआ है ऊपर वाले से, ठीक है, यानी मेरे हेडर से जो है ये बहुत ज़्यादा चपक गया है, ये जो पोस्ट हेड है पोस्ट हेड से बहुत ज़्यादा मेरा टेक्स्ट चपक रहा है। तो इस पोस्ट हेड को मैं बोलूँगा कि क्या कर दो तुम, अच्छा गैप में बॉटम गैप लगा सकते हैं क्या, अच्छा गैप तो इसके सजेशन में भी नहीं आ रहा, टर्मिनेटर नहीं लगाया, अच्छा गैप हाँ कॉलम गैप आ रहा है, सही है। तो रो गैप मैं लगाता हूँ ज़रा इसको 1 rem, हाँ भाई इफेक्ट नहीं आया इसका यहाँ पे, कॉलम गैप तो इसको समझ आ रहा है। ये मेरा ख्याल है कि वो सिर्फ फ्लैक्स बॉक्स के अंदर अंदर रहते हुए ये चलेगा। बहरहाल हम इसको बोलते हैं भाई तू सीधा सीधा मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम, और मैंने कहा भाई 1 rem, सही है। मैंने इन दोनों को भी थोड़ा दूर कर दिया, 1 rem ज़्यादा तो नहीं हो गया, हाँ थोड़ा ज़्यादा लग रहा है 0.7 सही है, सही है 0.7 0.8 0.9 1 0.7 सही है। वैसे इस तरह तुक्के से नहीं लगाते ये डिज़ाइनर जो है ना, ये चीज़ें सोच समझ के और कुछ चीज़ों को जहन में रखते हुए करता है, लेकिन बहरहाल हमें वो चीज़ें नहीं पता भाई, हमें वो चीज़ें नहीं पता, हम देख के तुक्का मारेंगे। समहाउ बहुत ही मुश्किलों से मैंने एक पोस्ट की जैसी शक्ल तैयार कर ली। अच्छा नीचे मुझे चाहिए अब 3 अदद बटन इसके, क्योंकि पोस्ट को लाइक भी तो करेंगे, लाइक शेयर करें कमेंट करें बेल आइकन दबाएं, सही है आ जाओ भाई। इसके नीचे अब मुझे क्या चाहिए, 1 अदद डिव चाहिए, जिसमें मैं क्या बोलूँगा इसको, मैं क्लास नेम दूँगा फूटर, पोस्ट फूटर। देखो कितना समझदार है ये, ख़ुद से इसने कंप्लीट किया है। ऐसे कोड एडिटर होना फिर यार मज़ा आता है काम करने का। ये तुम्हारे पास नहीं आएगा क्योंकि तुमने वो जादू नहीं किया हुआ इसके ऊपर जो मैंने किया हुआ। एक्सटेंशन है ये बिल्कुल है, और इसका नाम है AWS कोड विस्परर, ये देख लो नाम इसका, और ये तुम लोगों ने सबने इंस्टॉल मारना है आज जाके। AWS वालों का नया माल आया है ये कोड विस्परर, सही है, ये आप लोगों ने क्या करना है इंस्टॉल मारना है, सही है। देखो ये घूमता है थोड़ी देर और घूम के ही लाता है जादू सामने से, और मैं ऐसे करता हूँ टैप दबाता हूँ मैं तो जादू चल जाता है। फिर यार ये ब्रैकेट मैच क्यों नहीं हो रहा है इसका, देखो जब इसमें ये भी मसला होता है फिर एक ये और एक ये एक्स्ट्रा आ गया एक, चलो सेट हो गया।
अच्छा भाई मुझे शायद इतना चाहिए नहीं था जितना इसने कर दिया है। बहरहाल एक मैंने डिव बना लिया जिसका मैंने नाम क्या रख दिया, पोस्ट फूटर। पोस्ट फूटर के अंदर एक डिव है जिसके अंदर क्या हो गया मेरे पास लाइक आ गया, और दूसरा डिव है जिसमें कॉमेंट आ गया, और एक तीसरा डिव मुझे ऐसा ही चाहिए होगा जिसके ऊपर आ जाएगा शेयर। आप देखते हैं ये स्क्रीन पे अभी फ़िलहाल के लिए कैसा दिख रहा है, स्क्रीन पे फ़िलहाल ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। और ये जो एरो है इसकी जगह पे मैं क्या लगाऊंगा, इसकी जगह पे मैं एक्चुअल वो थंब वगैरह लगाऊंगा जो कि मैंने लगाना है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको पोस्ट फूटर को जो है ना ये क्लास नेम को तीनों को ना मैं लगा देता हूँ बटन, क्लास नेम में तीनों पे लगा देता हूँ बटन। सही है, ये बटन है एक्चुअली जो क्लास नेम है ना, ये बटन है एक्चुअली। तो सबसे पहले तो मुझे ये जो तीन डिव है मेरे, नंबर एक डिव, नंबर दो डिव और नंबर तीन डिव, इन तीनों डिव को सबसे पहले तो मुझे ये करना है कि भाई साइड बाई साइड लेकर आना है। कैसे लेकर आऊँगा मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, बोलता हूँ कि भाई डिव डॉट पोस्ट फूटर, यही नाम था डिव डॉट पोस्ट फूटर के अंदर जो, बल्कि डिफ डॉट पोस्ट फूटर को अगर मैं बनाता हूँ फ्लैक्स बॉक्स, तो इसके तीनों चाइल्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, साइड बाई साइड आ जाएंगे। सही है, सब लोगों को समझ आ रहा है ये। डिस्प्ले फ्लैक्स ये मैंने कर दिया और ये तीनों साइड बाई साइड आ गए। इन तीनों को मुझे कुछ ना कुछ एलिवेशन या कुछ बॉर्डर या कुछ ना कुछ मुझे देना पड़ेगा। ज़रा देखते हैं फेसबुक से, ज़रा छापते हैं क्या किया हुआ है फेसबुक ने आजकल, इस चीज़ के लिए क्या किया हुआ है। अच्छा, फेसबुक ने कुछ भी नहीं किया हुआ, जस्ट उस पर जब हवर करते हैं ना तो वो बना हुआ आता है। तो हम भी यही सेम काम कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, जब हवर करते हैं तो उस पर बना हुआ है, बाकी इसका जो टेक्स्ट का कलर है ये छाप लेते हैं। आ जाओ टेक्स्ट का कलर छापते हैं फेसबुक से। ये मैंने लगाया निशाना, चलो इस तरफ से निशाना लगाते हैं, ज़रा नज़र आएगा सही। इसको ज़रा बड़ा करने से ना निशाना अच्छा लगता है। ये मेरा भाई लगा लिया निशाना हमने, क्लिक, सही है। आओ ये फुटर हो गया पोस्ट का हमारा, और मैंने कह दिया कि यार कलर जो है ना आपका वो आप कर दो ये वाला, देखते हैं क्या रिपोर्ट आई है इधर। सही है, कलर तो मैंने कॉपी कर लिया। अब इसको मैंने क्या करना है, बॉर्डर वगैरह नहीं देना कुछ भी, लेकिन हवर पे मैंने जो है ना ये वाला काम कराना है कि हवर पे कुछ इस तरह का हो जाए। इसका भी कलर कॉपी कर लेता हूँ मैं, इन्होंने जो हवर पे जो कलर लगाया हुआ है ना, सही है ये कलर लगाया हुआ, ये भी मैंने कॉपी कर लिया। और मैंने बोला कि यार क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर जो है वो ये होना चाहिए। सही है, बैकग्राउंड अभी सीधा सीधा तो लगाऊँ पहले, लग रहा है कि नहीं लग रहा, कैसा दिख रहा है देख लेता हूँ ज़रा। कुछ इस तरह का बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया इसका, ठीक है। अब इसको साइड बाई साइड लाते हैं, और ज़रा ये बॉर्डर रेडियस भी इन्होंने दिया हुआ है ना, बॉर्डर रेडियस भी देते हैं इसको, बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल। हाँ भाई गलत दे दिया, गलत चीज़ पे दे दिया मैंने, फूटर। हाँ ये तो बटन पे देना था ना मुझे, ये तीनों आइटम मुझे बटन पे देना था। ओ मैंने कहा कि यार डिव डॉट पोस्ट फूटर के अंदर जो डॉट बटन है उस पर ये लगा दो तीनों आइटम। सही है, ये इस पर बॉर्डर रेडियस अप्लाई नहीं हुआ लेकिन, अच्छा बॉर्डर के साथ डॉट रेडियस मैंने लगाया नहीं है। सही है, बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल बहुत ज़्यादा हो गया है, कम करते हैं उसको। सही है, बॉर्डर रेडियस बिल्कुल सही हो गया। अब ज़रा पैडिंग इस पे चाहिए होगी मुझे, अच्छा पैडिंग मुझे राइट लेफ्ट से थोड़ी अलग चाहिए होती है और टॉप बॉटम से अलग चाहिए होती है। तो मैं बोलता हूँ टॉप बॉटम पे आप ले लो 0.3 rem और कॉमा, और राइट लेफ्ट से आप ले लो 1 rem।
सही है, ये क्या हुआ, पैडिंग अप्लाई नहीं हुई, कॉमा नहीं आता। अच्छा बगैर कॉमा के होता है, हाँ अब सही हुआ यार, थोड़ा थोड़ा मार्जिन भी दे देते हैं, मार्जिन दे देता हूँ मैं इसको। अच्छा मुझे राइट लेफ्ट पे ही मार्जिन चाहिए, टॉप बॉटम पे नहीं चाहिए, तो मैं कहता हूँ टॉप बॉटम ज़ीरो और राइट लेफ्ट जो है वो आप ले लो 0.5 आरईएम। हैं क्या हुआ, आरईएम दोनों पे लगाना था ना, आरईएम दो नहीं, इसको तो ज़ीरो पे चलो कुछ नहीं लगाना होता, इस पे लेकिन आरईएम लगाना ज़रूरी था। कितनी मेहनत लग रही है ना फेसबुक की पोस्ट बनाने में, लेकिन बन रही है, अच्छी बन रही है ना, मज़ा आ रहा है। अच्छा अब इसका ज़रा आइकन चेंज कर लेते हैं, अब बूटस्ट्रैप आइकन्स हमने लास्ट क्लास में अप्लाई किए थे तो वहीं वापस आ जाते हैं, अदरवाइज़ कहीं और भी जा सकते थे हम। इसमें मैं कहता हूँ भाई लाइक, अरे लाइक ये क्या हो गया, थम्स अप ये आ गया ना, चलो थम्स अप वहाँ से हम इम्पोर्ट करने की कोशिश करते हैं। जो मेरे पास ये एरो था, एनवलप था और थम्स अप आउटलाइंड, तो मैं सबसे पहले वाले में क्या कर देता हूँ, थम्स अप लगा देता हूँ। अरे क्या हैंड थम्स अप, ये नाम था, हाँ हैंड थम्स अप हो गया। आगे देखते हैं, अरे लग गया भाई हैंड थम्स अप, थोड़ा ऊपर नीचे लगा है लेकिन लग गया है। ये ऊपर नीचे क्यों हुआ यार, हाँ वो अलाइन, असल में ये टेक्स्ट होता है ये ना, ये टेक्स्ट होता है तो वो अलाइन ज़रा उसको ना हमें करना पड़ेगा, ज़रा बॉटम या तो टॉप या इस तरह की कुछ चीज़ करनी पड़ेगी हमें। ठीक है वेल ज़रा तीनों पे लगा लें फिर हम इसकी अलाइनमेंट को देखते हैं। अच्छा जी थम आ गया हमारे पास, थम हमारे पास आउटलाइंड वाला है, हाँ आउटलाइंड वाला है। अच्छा अब मुझे चाहिए कौन सा, हाँ मैसेज कमेंट वाला चाहिए जी, ये वाला, हाँ ये वाला नहीं, ये तो चैट का है लेकिन इसमें इन्होंने क्या लगाया हुआ है, अरे यही लगाया हुआ है। यार इन्होंने ये लगाया हुआ क्या सीन है ये, चलो हम भी यही लगा देते हैं, चैट बाई चैट लेफ्ट, यार ये बाई चैट लेफ्ट और बाई चैट राइट का क्या चक्कर है। अच्छा राइट वाला दूसरा है, सही है यार, कमेंट करके यहाँ पे कुछ नहीं है क्या, कमेंट सर के वो लगा लेता हूँ, मैसेज ही है भाई। अच्छा इन्होंने ये, इन्होंने यही पकड़ा हुआ है, चलो यही पकड़ लेते हैं, इसके नीचे वाला, ये वाला, ये इस, ये वाला, ये अबे ये तो सारे चैट वाले ही हैं, इनमें फ़र्क थोड़ी है कोई, नहीं नहीं ये एक ही हैं सारे के सारे, ये एक ही हैं सारे। मुझे ये वाला असल में गोल मटोल है ना, वो वाला लाइक का बटन, तो मैं सोच रहा हूँ इसमें गोल वाला लगाते हैं ज़्यादा सही रहेगा। चैट टेक्स्ट सही है, चैट टेक्स्ट नाम है इसका, आ जाओ इसको इंपोर्ट मारते हैं, चैट चैट टेक्स्ट। अच्छा इसमें लेफ्ट और राइट दोनों हैं, लेफ्ट में इधर होगा ना इसका मुंह, चलो खैर वो सिंपल वाला उठाते हैं हम। अबे इसमें लेफ्ट राइट के बगैर वाला तो है ही नहीं, ये कौन सा है, लेफ्ट है राइट है, पता कैसे चल रहा है, ये लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट है, हाँ जिस तरह का मुंह इधर होता है वो लेफ्ट होता है, सही है। चलो लेफ्ट हमने उठा लिया, अब हम कमेंट में आगे लगा देते हैं ये लेफ्ट वाला, सही है। और यहाँ पे अब हमने शेयर पे लगाना है, शेयर एरो,
इन्होंने क्या लगाया है? एरो यार, एरो में तो नहीं आ रहा वैसा माल, यू टर्न लिखूंगा। हाँ भाई, कौन सा है इसमें से? इस तरह का है ना इनका एरो टर्न, नीचे से ये जा रहा है और राइट पे जा रहा है। ये वाला हमें ऐसा चाहिए जो नीचे से निकले और राइट की तरफ टर्न हो रहा हो। नहीं है भाई ये, हाँ ये रहा ना, नीचे से निकल रहा है और राइट पे जा रहा है, यही तो चाहिए था हमें। मज़ा नहीं करेगा लेकिन वाकई में, ये शेयर वाला जो इनके पास आ रहा है वो ये आ रहा है इनके पास शेयर वाला। चलो शेयर लगा देते हैं। हाँ नहीं, हमारा यार, हमारा अपना है, थोड़ा अलग होगा ये, थोड़ी उनका पूरा छाप देंगे हम। फेसबुक खुद आज तक किसी का पूरा नहीं छापता, आधा अधूरा छापता है। चलो भाई, फाइनली हमारा आइकन तीनों जो है ना सेलेक्ट हो गए। अच्छा, तीनों आइकन सेलेक्ट होने के बाद हमारे पास कुछ इसमें गड़बड़ियाँ हैं उसके अंदर कुछ। अच्छा, गड़बड़ को हल करने का एक तरीका ये है कि इस शेयर को ना, मतलब ये अलग से क्यों स्पैन लगाया भाई, इसको हटाओ अलग से स्पैन को यार, इसको डायरेक्ट पूरा करो ऐसे ही, शेयर के साथ शेयर लिखो। ये तो टेक्स्ट बेस है ना ये वाले हमारे, ठीक है, तो ये स्पैन हटाने से भी हमारा मसला मोस्ट प्रॉब्ली हल हो जाएगा, क्योंकि हमें इस स्पैन की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। स्पैन की हमें ज़रूरत जब होती है ना, मसला ऑलमोस्ट हमारा हल हो गया, वो ऑलमोस्ट अलाइनमेंट उसकी हो, क्योंकि टेक्स्ट की तौर पे ये जो ना आ रहा होता है। अच्छा भाई, अब ना हमने इसको क्या करना है कि दरमियान में अलाइनमेंट करनी है इसकी, कि जी मेरा जो यानी पोस्ट जितना भी बड़ा है ना, जैसे यहाँ पे देखें पोस्ट जितना भी बड़ा होता है, ये क्या कर लेता है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है उस स्पेस को। तो हमें भी यही काम कराना है, हमने क्या कराना है, इन तीनों को हमने बोलना है कि भाई आप क्या करो, जो अवेलेबल स्पेस है उसको आप बराबर बराबर बांट लो, ठीक है। अवेलेबल स्पेस को बराबर बराबर बांटने के लिए ये मेरा पेरेंट है, ये पहला चाइल्ड है, ये दूसरा चाइल्ड है, ये तीसरा चाइल्ड है। मैं कहना चाहता हूँ इन तीनों चाइल्डों के बच्चों जो है सब तुम्हारा है, आपस में बांट लो आधा। मैं क्या लिखूँगा सी एस एस में, जस्टिफाई कॉन्टेंट में, पेरेंट एलिमेंट के अंदर मैं बोलूंगा स्पेस अराउंड नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा स्ट्रेच स्पेस अराउंड में, ऐसे ही होता है। चलो स्पेस अराउंड लगा के देखते हैं। ये मेरा फूटर है, इसको मैंने बोला कि भाई जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, चलो भाई स्पेस अराउंड देखते हैं, नहीं हुआ ना, इसको मैंने करना है स्ट्रेच। अब स्ट्रेच कैसे होगा, स्पेस बिटवीन नहीं होगा, अभी देख लेते हैं, मैं भी भूल गया इसमें ना स्ट्रेच होता है, वर्टिकली भी स्ट्रेच कर सकता हूँ मैं, हॉरिजॉन्टली भी स्ट्रेच कर सकता हूँ, देख लेते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या है। ये फ्लेक्स ग्रो, सही है, फ्लेक्स ग्रो में वन दूंगा ना तो ये वन 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 पूरे पे ले लेगा। अच्छा, इसी तरह जो वर्टिकल स्ट्रेच है ना वो कौन सा है वो भी दिखा देता हूँ। देखो वर्टिकल है ना, अलाइन आइटम मारूंगा मैं, वर्टिकली स्ट्रेच हो जाता है इसमें, तो स्ट्रेच है, और इसी ये वर्टिकली है स्ट्रेच हो रहा है, और हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ये लगाता हूँ फ्लेक्स ग्रो। अच्छा, फ्लेक्स ग्रो किस पे लगाता हूँ मैं, उस आइटम के ऊपर, उस आइटम के ऊपर मैं लगाता हूँ फ्लेक्स ग्रो, ठीक है। आगे लगा के चेक करते हैं, उस आइटम पर लगाने के लिए मुझे ये डॉट बटन है ना इस पर लगाना पड़ेगा फ्लेक्स ग्रो, के बच्चा ग्रो करो बड़े हो जाओ, और ग्रो कराने के बाद हम उसको बोलेंगे कि भाई वन, कितने वन, यानी जितने आपके पड़ोस वाले हैं उतने ही आपने भी जगह लेना है, तो ये तीनों को इक्वल बांट लेगा होपफुली, देखते हैं। हाँ, बांट लिया तीनों को इक्वल, ठीक है। इक्वल बांटने के बाद इसको
टेक्स्ट को दरमियान में लाना है, टेक्स्ट को दरमियान में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसी डिव के ऊपर इसको बोलूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर अब इस पर काम करेगा, वो इसलिए करेगा क्योंकि अब इसमें स्पेस मौजूद है, अंदर इसकी जगह है ना, इधर उधर मूव करने की जगह है, तो अब ये टेक्स्ट अलाइन इस पर सही काम करेगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, तो ये मेरा आइकन जो है वो भी असल में क्या है, टेक्स्ट है वो, तो वो सही हो गया। अच्छा मुझे लग रहा है मार्जिन टॉप बॉटम ना ज़रा कम है इसके अंदर, टॉप बॉटम वाला मार्जिन ज़रा सा बढ़ाना पड़ेगा हमें शायद, ठीक है। मैंने कहा कि 0.8 rem नहीं, और बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा, पूरा बंद कर देता हूँ, ठीक है भाई। हाँ भाई फेसबुक बनता जा रहा है पूरा अच्छा वाला है ना, सही बना लिया है, यूआई फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब मिल जाएगी मेरे को। अच्छा यार ये डेट का कलर ख़राब कैसे हो गया, डेट का कलर हमने चेंज किया था, अच्छा वो हमने डिव के अंदर पैक मारा है ना उसको, इसलिए डेट का कलर चला गया, वो डॉट डेट जो है ना इसको ये हटा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, सही है, डेट का कलर भी वापस आ गया हमारा। अच्छा अब अगला काम क्या करना है हमने, अब इसमें एक अदद फ़ोटो लगानी है हमें, इसमें एक अदद फ़ोटो लगानी है हमें। अच्छा फ़ोटो भी चलो यहाँ से मेरे फेसबुक से कोई उठाते हैं, बहुत ज़्यादा जूम इन कर दिया मैंने उसको, कोई सिंगल सी अच्छी सी फ़ोटो मिल जाए, सही है ये वाली फ़ोटो लगाते हैं, चलो ओपन इमेज इन न्यू टैब, सही है सेव, और ये सेव हो गया। इसको जल्दी से उठा के ले आता हूँ मैं इधर, और इधर इसको IMG के साथ में डाल देता हूँ, सही है IMG के साथ भी डाल सकता था मैं, यहाँ से URL भी डायरेक्ट, चलो URL डायरेक्ट डाल देता हूँ यार, ज़िंदगी में सुकून लाते हैं, बहुत टेंशन हो गई है अभी, सही है। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको ना IMG करके भी साथ में ये पूरा का पूरा टेक्स्ट इसको पास कर देता हूँ मैं, सही है, और ये पूरा का पूरा टेक्स्ट जब मैं पास करता हूँ तो मैं टेक्स्ट से पहले यानी पोस्ट डॉट टेक्स्ट है ना, इससे पहले मैं क्या करता हूँ एक IMG लगाता हूँ यहाँ पे, और इस IMG के अंदर जो SRC है इसका उसमें मैं क्या डालता हूँ, मैं कहता हूँ प्रॉप्स डॉट IMG, सही है। और ये भी मुझे कुछ बता रहा था कि विर्थ वगैरह क्या कर दो, विर्थ इसकी 500 कर दो, लेकिन चलो मैं विर्थ वगैरह अभी नहीं डिफाइन कर रहा, मैं बोलूँगा इसको ना अपने पेरेंट का 100% बोलूँगा कि हो जाए। अच्छा नहीं विर्थ तो मुझे बतानी पड़ेगी, इसको मैं इसके पेरेंट का 100% कराता हूँ, कैसे कराऊँगा, इस पे मैं लगा देता हूँ क्लास नेम, और मैं बोलता हूँ कि यार आप क्या हो, आप जो है ना पोस्ट की इमेज हो आप, सही है। और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कि पोस्ट डॉट पोस्ट की इमेज है ना, यहाँ लगाता हूँ डिव डॉट पोस्ट के अंदर डॉट पोस्ट इमेज, इस पे आपने क्या लगा देना है, इसकी जो विड्थ है वो 100% लगा देनी है, तो ये इस अपने पेरेंट का 100% हो गया ये, ठीक है। अच्छा और इसकी जो हाइट है वो मैं क्या कर देता हूँ, हाइट मैं इसकी कम कर देता हूँ, मतलब जितनी भी विड्थ अवेलेबल है उसकी 50% यानी 16:9 का रेशो करना चाह रहा हूँ मैं इसमें। कैसे करूँगा मैं ये काम, कि जितनी हाइट है उसकी विड्थ मैं कितनी कर दूँ, 50% उसका कर दूँ, सही है 16:9 का जो भी रेशो बनता है वो कर दूँ, कैसे करूँगा मैं ये, हाँ चलो छोड़ो अभी एस्पेक्ट रेशो को, अभी मैं इसकी जो हाइट है ना वो ऐसी हार्ड कोटेड लगा देता हूँ, क्योंकि हमारा क्लास का टाइम ज़रा भी जा रहा है, सही है। मैंने कहा भाई 300 pixels इसकी ना हाइट कर दो, और क्या कर दो, ओवरफ्लो को हिडन करा दिया मैंने, ओवरफ्लो वाई को ना हिडन करा दिया मैंने, सही है। अरे ये क्या हुआ, ओ सॉरी नहीं, असल में इसके पेरेंट को मुझे ये देना था ना, ये मैंने इसको दे दिया, पोस्ट इमेज, पोस्ट इमेज। अब सीन ये है कि इसका जो पेरेंट है वो, हाँ
नहीं, इसका अभी देखता हूँ मैं पेरेंट कौन है, इसके पेरेंट को मैं कम करूँगा, और पेरेंट को कम करने के बाद इसका कोई पेरेंट नहीं है ना असल में, इसका कोई पेरेंट नहीं है, मसला ये है इसलिए। चलो छोड़ो यार इसको अभी ना, इसके इसके हाइट को भी छोड़ देते हैं। अच्छा भाई, तो हमने यहाँ पे जो है ना काफ़ी अभी मतलब सही काम कर लिया। अच्छा, इसको जो है ना मुझे कुछ ना कुछ विड्थ भी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक हो गया है ना। मतलब चलो इतना हमने बना लिया, अभी ये परफेक्ट नहीं है, जाहिर है कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती दुनिया में, थोड़ी बहुत कमी रहती है, जितना भी हम इस पर परफेक्ट बना लें ये कमी रहेगी कुछ ना कुछ इसके अंदर, ठीक है। दो घंटे चार घंटे करते रहेंगे, लगे रहेंगे हम, फेसबुक ने पता नहीं। हाँ हाँ, ये सही सही तुमने बोला, सही बोला तुमने, ये टेक्स्ट मैंने अपोजिट कर दिया है, ये टेक्स्ट तो ऊपर होता है ना भाई, एक ही बंदा है क्या जो फेसबुक चलाता है? अरे हाँ, अब असली लग रहा है अभी, है ना, असली लग रहा है। अच्छा, अब ये ज़रा ये वो हो गया इस पर, है ना, बटन चपक गया इसका। चलो छोड़ो यार, बटन भी चपका रहने दो, अब बस, अब मेरी बस हो गई है अभी। अब भाई सीन ये है कि ये मेरे पास देखो क्या बन गया है, इन अ बिगर पिक्चर ये मेरे पास एक अदद पोस्ट का क्या बन गया है, कंपोनेंट बन गया, एक अदद मेरे पास पोस्ट का कंपोनेंट बन गया है। ओके, इस कंपोनेंट को मैंने यहाँ पे रेंडर करवा दिया, नीचे रेंडर करवा दिया, ये भी ठीक है। अच्छा, अब ये रेंडर करवाने से क्या हुआ है, ये मेरे पास जो कंपोनेंट बना है ना पोस्ट का, दिस इज़ अ रीयूजेबल कंपोनेंट, ठीक है, दिस इज़ अ रीयूजेबल कंपोनेंट। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसको जहाँ पे रेंडर करवाया ना मैंने, इस पूरे को कट किया मैंने, इमेजिन करो कुछ नहीं आया, मैंने एक डिव बनाया, सही है। अच्छा, ये डिव भी क्या चीज़ है, ये डिव भी बिल्ट इन कंपोनेंट है ना रिएक्ट के, तो मैं यार अंडर पर डिव लिख सकता हूँ ना, मैंने लिख दिया। अब इस डिव के अंदर आके मैं क्या करता हूँ, ये मैंने इस पोस्ट को, ये जो पोस्ट का कंपोनेंट था, इसको यहाँ पे ये रेंडर कराया मैंने, ठीक है, ये पहली पोस्ट आ गई मेरी। अब इसका ना ये मैं रैप ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये रैप ना मुझे एंजाइटी अलग से दे रहा है, सही है, वर्ड रैप भाई ख़त्म कर रहा हूँ मैं, ये मुझे रैप एक अलग एंजाइटी देना शुरू हो गया, ठीक है भाई। पोस्ट प्रोफाइल इमेज नेम डेट आईएमजी और टेक्स्ट, ये पांच टोटल प्रॉप मैंने लिया है और मैंने इस पोस्ट को रेंडर करा दिया है। मुझे ऐसी ही एक और पोस्ट रेंडर करानी है, ये लो, ठीक है, डिफरेंट नाम के साथ, नाम चेंज करूँगा मैं, नाम चेंज हो जाएगा, मैंने कहा कि अब्दुल वाहिद, सही है, 20th January शाम को 5 बजे, सही है। यहाँ पे आके मैं देखूँगा, नीचे एक और पोस्ट आ रही है यहाँ पे, इसका टेक्स्ट चेंज करूँगा मैं, टेक्स्ट चेंज, आ जाओ टेक्स्ट दूसरा पकड़ते हैं यहाँ से, ये टेक्स्ट मैंने इस पे ये वाला लगा दिया, सही है, टेक्स्ट मैंने चेंज कर दिया। इमेज आ जाओ, इमेज भी दूसरी उठा लेते हैं गूगल से, सही है, इमेज मैंने कहा कि यार ओपन इमेज इन न्यू टैब, और मैंने क्या कर दिया, ये आईएमजी जो था ना इसका, ये मैंने ये वाला लगा दिया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, ये कंपोनेंट दो हो गया, तीन कर दूं इसको, इसको तीन कर देते हैं, आ जाओ। अच्छा, ये जो मैं हाथ से तीन कर रहा हूँ ना, ये हाथ से कभी भी ऐसे नहीं होगा, ये लूप चल के होगा असल में। और डेटा कहाँ से आ रहा होगा, डेटाबेस से आ रहा होगा, सही है, डेटा जो है मेरा डेटाबेस से आ रहा होगा। अच्छा, ये देखो तीन पोस्ट हो गई है मेरी। अब मैं तीसरी पोस्ट पे आके मैं क्या कर देता हूँ, कोई और नाम लिख देता हूँ, ठीक है, शकूर। नहीं वैसे ना, फोटो भी चेंज होगी नाम के साथ, मैंने प्रोफाइल फ़ोटो चेंज नहीं की है असूलन, तो प्रोफाइल फ़ोटो नाम। अब नोट कर रहे हो तुम कि ये मैंने जो कंपोनेंट बनाया है ये असल में एक टेम्पलेट है, इसको मैं जिस नाम दे के पास करूंगा वो नाम, जो टेक्स्ट दे के पास करूंगा वो टेक्स्ट, जो इमेज दे के पास करूंगा वो इमेज, ये डिस्प्ले कर देगा, इसको कोई मसला नहीं है। अब तुम लोगों का असाइनमेंट, ऐसा ही कंपोनेंट फेसबुक का बनाओगे, ठीक है, और ऐसे ऐसे तीन दफ़ा एटलीस्ट ऐसे करके रेंडर कराओगे उसको, तीन दफ़ा। कुछ मुश्किल नहीं है, ये पूरा कोड मैंने लिख दिया है, इस कोड को देख के अपने हाथ से लिखोगे ये एज इट इज़ बन जाएगा, ठीक है।
इसमें कोई सवाल किसी का, कोई ऐसी कंफ्यूजन जो कंपोनेंट के रीयूजेबल होने में, कंपोनेंट बनाने में कोई मसला? जी भाई, आवाज़ नहीं आई तुम्हारी, आवाज़ नहीं आई तुम्हारी। डेटाबेस तो अभी हम असल में जो अगला काम हम करेंगे ना इस क्लास में, अगला काम जो हम करेंगे वो हम सीखेंगे एपीआई कॉल करना, है ना, एक्सियोस से कैसे। अब एक्सियोस जब तक नहीं लगेगा तो एपीआई कॉल कैसे होगी? तो अभी फ़िलहाल एपीआई कॉल मत करो, अभी इतना करो जो मैंने बताया है, सही है। इसके बाद जब अगली क्लास में आप आओगे तो अगली क्लास में हम बनाएंगे एक अदद वेदर ऐप, सही है, और वेदर ऐप का जो कार्ड होगा ना वो ऐसा ही एक कंपोनेंट होगा। जब आप नाम लिखोगे सिटी का, वेदर आएगा उस कार्ड में, वो वेदर आ जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी, कार्ड वही रहेगा, सही है। सर ये बिल्ड कर रहा हूं ना, सर ये कंपोनेंट